हमारे खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी, जो कि आज प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के भाषण पर हमसे बात करेंगे और साथ ही साथ जो पीएम नरेंद्र मोदी ने देश का विजन दिया उस पर भी अपनी बातों को रखेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाम नव भारत पर, और टाइम्स नाम नव भारत के दर्शकों की ओर से आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को, सभी को मेरी बधाई आज के इस पावन पर्व पर। सर, मैं शुरुआत करता हूं चर्चा की, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया जिसमें उन्होंने ये बताया कि कैसे 2024 के बाद भी वो देश की उपलब्धियों को लाल किले के प्राचीर से देश की जनता के सामने रखेंगे। आप इस पूरे भाषण में सबसे खास क्या पाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तो बताया कि देश कैसा विकसित हो रहा है, आगे का विजन भी रखा और एक टाइमलाइन भी खींच दी कि हम 2047 तक विकासशील देशों में नहीं बल्कि विकसित देशों में गिने जाएंगे। भाई साहब, अगर आप देखें तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा व्यापक चित्र रखा गत 9 वर्षों के अलग अलग कामों का, और यही दर्शाता है उनके काम करने का ढंग, कैसे उन्होंने बड़ा समावेशी विकास गत 9 वर्षों में किया। एक बड़ी कठिन परिस्थिति में 2014 में उन्होंने देश की कमान संभाली थी, फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी गिनी जाती थी भारत, आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी के रूप में भारत उभरा है। विश्व का सबसे तेज गति से विकास करने वाला देश हमारा भारत है। आज हमारी जो आधारभूत सुविधाएं इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तेज गति से लोगों की सेवाओं के लिए डेवलप किया जा रहा है। जिस प्रकार से गरीब कल्याण सुशासन हमारी पहचान बनी है, देश की पहचान, सरकार की पहचान, और विशेषकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काम करने का जो ढंग है जी, जो देश के कोने कोने तक विकास को पहुंचाते हैं, जो बिना भेदभाव के हर व्यक्ति के जीवन में एक नया सवेरा लाने के प्रयास करता है, उनकी नीयत साफ है, उनका ईमानदार काम और उनकी सोच जो रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म जी, ऐसे मंत्र के साथ जुड़ी हुई है। नई नई योजनाएं, नए नए काम करने के ढंग, जड़ में जाके समस्या का समाधान निकालना, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी देश की जनता की आशाएं अपेक्षाएं को समझते हैं और उसको पूरा करने में खरा उतरते हैं, जैसे वो अपनी महिलाओं को सम्मान देने के लिए, युवा युवतियों को नए अवसर देने के लिए, समाज के हर वर्ग को आगे नए मौके प्रदान हो उसकी चिंता करते हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाया, भारत एक विश्व शक्ति तो बनेगी पर आज पूरा विश्व भारत को एक मित्र के रूप में, भारत एक विश्व के मित्र के रूप में उभरा है। ऐसे भारत को सम्मान दिलाने वाला नेता और प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज विश्व देश को और विश्व को भारत के आने वाले कल का एक दृश्य दिखाया है जी। और मेरा विश्वास है, हम सबका विश्वास है, 140 करोड़ देशवासियों का विश्वास है कि अब भारत रुकेगा नहीं, थकेगा नहीं, अब एक विश्व शक्ति और विकसित देश बन के ही रहेगा। सर, आपने विजन की बात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विजन और लाल किले के प्राचीर से दिखाया कि अगले साल जब स्वतंत्रता दिवस होगा तो देश की गाथाएं प्रधानमंत्री वहीं से कह रहे होंगे, और ये सुर्खियां भी जमकर बटोर रहा है, तो क्या प्रधानमंत्री ने ये साफ कर दिया विपक्षी दलों को कि अभी देश में अगले चुनाव में कोई वैकेंसी नहीं है, खासतौर पर इंडिया गठबंधन की? मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो देश के 140 करोड़ लोगों की भावना व्यक्त की है जी। आपने इतने सारे अलग अलग सर्वेज देखे हैं, आपके भी चैनल पे मैं देखते रहता हूं लोगों की भावना क्या प्रकट होती है। हम भी जमीन के साथ जुड़े हुए हैं, जनता के साथ लगातार संपर्क लगाए हुए हैं, और आज जो विश्वसनीयता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर है, जो लोगों की आस्था जी, उनके काम के साथ, उनके नियत के साथ जुड़े हुए, जिस प्रकार से एक ईमानदार और निर्णायक नेतृत्व का भारत ने अनुभव किया है पिछले 9 वर्षों में, मैं समझता हूं यह आत्मविश्वास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उनके काम के ऊपर, उनकी ईमानदारी के ऊपर, उनकी नीयत के ऊपर,
और लोगों के प्यार के ऊपर जो उन्होंने ये बात रखी कि अगले वर्ष फिर मुलाकात होगी 15 अगस्त को जी लाल किले के प्राचीर से। सर लेकिन आप आत्मविश्वास बता रहे हैं और कुछ विपक्षी दल जब इसे लेकर बात करते हैं तो वो कहते हैं ये अति आत्मविश्वास है, और कुछ राजनेताओं के नाम तो मैं अगर सर फिंगर टिप्स पे गिना दूं तो वो तो भाषण से पहले कहने लगे थे कि आखिरी भाषण होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। भाई साहब अगर आप अति अच्छा काम करो जी, अगर आप अति ईमानदारी से काम करो, अगर आप अति सेवा का काम करो, अगर आप अति सुशासन लाओ जी तो अति आत्मविश्वास भी स्वाभाविक है। लेकिन कांग्रेस और उनके इस घमंडिया गठबंधन यूपीए के नए नाम को जो उन्होंने दिया है जी, उनके अति भ्रष्टाचार, उनके अति वंशवाद को देखें, उनके अति कारनामे जो उन्होंने 10 साल के यूपीए शासन में दिए जी, उन्होंने जो अति कर दी थी इस देश को विफल बनाने के लिए, उन्होंने जो अति कर दी थी देश की अर्थव्यवस्था के साथ, उससे स्वाभाविक है कि जनता भी उनको अति पराजय देने के लिए तैयार बैठी। लेकिन सर मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं, आप घमंडिया गठबंधन कह रहे हैं, इंडिया गठबंधन को मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, ये प्रधानमंत्री का अहंकार बोल रहा है। मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को आज देश की जनता ने 50 वर्षों से जी देश को अपने पूरे जीवन को समर्पित करते हुए देखा। उन्होंने देश के लिए मर मिटने के लिए अपना कण कण क्षण क्षण निछावर कर दिया, सामाजिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो जी, उन्होंने पूरा जीवन देश के लिए पूरी तरीके से बिताया है। और गत 25 वर्षों के उनके कार्यकाल को, 23 वर्षों के कार्यकाल को देख लीजिए, चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में या भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, जिस प्रकार से विकास तेज गति से आया गुजरात में और अब पूरे देश में, जिस प्रकार से जन सेवा, गरीब कल्याण, ईमानदार सरकार उन्होंने देश को दी है, मैं समझता हूं आज देश की जनता में जो विश्वास और जो प्यार जी लोगों के बीच में उनको मिला है, उसी का परिणाम है कि कांग्रेस अपने आप को इतना लाचार महसूस करती है, उनका गठबंधन इतनी बुरी तरीके से फेल्ड गठबंधन के रूप में जनता के समक्ष नजर आता है। सर लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो भाषण को हमने सुना, 90 मिनट का भाषण, इस भाषण में एक सबसे खास बात यह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को भाइयों बहनों के साथ साथ ये कहा कि ये मेरे परिवार के लोग हैं, तो वो दायरा बढ़ गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का आज। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तो स्वयं का तो कोई परिवार है नहीं, उन्होंने तो देश के लिए अपने पूरे परिवार को त्याग करके अपने आप को पूरी तरीके से देश को समर्पित आज से 50 साल पहले ही कर दिया था, तो एक प्रकार से देश ने उनको अपनाया, उनको अपने परिवार का एक सदस्य बनाया और उन्होंने देशवासियों को अपना के उनको ही अपना परिवार माना है, उनके लिए ही जीवन निछावर किया है, उनके लिए ही अपना पूरा समय कण कण क्षण क्षण देश के लिए समर्पित किया है। तो मैं समझता हूं कि वास्तविकता यही है कि ये देश के 140 करोड़ प्रधानमंत्री जी का परिवार है और प्रधानमंत्री जी स्वयं हम सबके, आपके, मेरे, देश के 30 करोड़ परिवार का एक अभिन्न अंग बन गए। सर मैं आखिरी में एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप केंद्रीय मंत्री भी हैं और जैसा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्शन भी दे दिया कि आने वाले वक्त में खुद प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से देश की उपलब्धियों को बताएंगे, आपके रोल की मैं बात करूं तो आपका रोल आप कैसे देखते हैं? मेरा तो रोल उनके एक सिपाही के रूप में है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने 9 वर्ष सेवा करने का जो मौका दिया उसके लिए हम कृतज्ञ हैं, और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश को नेतृत्व दिया, ईमानदार नेतृत्व दिया, निर्णायक नेतृत्व दिया, नई सोच वाला नेतृत्व दिया, नई नई तरीके से देश के कोने कोने तक विकास पहुंचा है, नई नई सोच से लोगों को आत्मनिर्भर बनाया है, इस देश को आत्मनिर्भर बनाया, लोगों की आशा अपेक्षा के ऊपर खरे उतरे,
उसके लिए हम सब मिलके अब एक कर्तव्य भावना से 140 करोड़ देशवासी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के हम काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। और जो भी जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री देशवासियों को देते हैं हम सब उनके सहयोगियों को देते हैं, उनके कार्यकर्ताओं को देते हैं, हम सब उन जिम्मेदारियों को अच्छी तरीके से निर्वहन करें, वो हमारा संकल्प है। और मेरा विश्वास है कि चाहे वो मीडिया के मित्र हो आप जैसे, चाहे वो सरकारी अफसर हो जिनका आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने साधुवाद किया और शायद भारत के इतिहास में पहली बार सरकारी कर्मचारी को ये इज्जत ये सम्मान लाल किले की प्राचीर से इतने पावन पर्व में मिली होगी, जैसे उन्होंने नमन किया देश के मजदूरों का, देश के श्रमजीवियों का, देश के किसानों का, देश के विश्वकर्मा, हमारे जो अलग अलग स्किल्ड और कौशल के साथ काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो मोची हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो खुदरा व्यापार करता हो, चाहे वो छोटा बड़ा किसी भी क्षेत्र के साथ जुड़ा लोहार हो, सोनार हो, सबका जो आज नमन किया है, सबको जो आज इज्जत मिली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में और आज के उनके भाषण में, मैं समझता हूं देश टर्बो चार्ज होके आज कर्तव्य भावना से विकसित देश बनाने के लिए निकल पड़ा है। सर आपसे बात करते हुए वो टर्बो चार्ज हमें लगा भी, महसूस भी हुआ। बहुत शुक्रिया सर, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आपको सर स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।